काका रिलैक्स। देवेश भाई को फोन किया किसने? देवेश भाई को बुलाया? नहीं देखा तो नहीं। बराबर अंदर सोने काका बाबू अबू ने। अरे ब्राह्मण पैतीस हुआ भाई। मीटर चेक करवा लो आप, मैं 33 के ऊपर एक रुपया। दो रुपए तो छोड़ दो ना वापस। देवेश भाई फोन करवाना हो तो मैं क्या छो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, आइए जल्दी आइए। वो कितनी बड़ी भीड़ जमा थी गई है। ब्रह्मणी अंदर जा रहे हैं, कुछ हटन ना करें। अल्पेश भाई सुत हो क्या? क्या हुआ? अरे दरवाजा अंदर से बंद है। तो अंदर कौन है? अंदर कोई नहीं है। तो दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? घर में एक तो है करामती गांडी। सुनती नहीं। एक मिनट, बराबर मार। थैंक यू पापा। ये बाहर से दरवाजा कैसे बंद किया तूने? वो ना मैंने नाड़े को कुंडी के अंदर डाला, फिर उस नाड़े को दरवाजे के बाहर लिया और फिर उस नाड़े को नीचे से ऐसे खींचा कि दरवाजा बंद। दरवाजा खुलने आता है? बिना ब्लाउज पीस के साड़ी नहीं बेचते? दरवाजा खोल के दिखा, तब मैं मानूंगा कि तू होशियार है। गायत्री जल्दी करो। होशियारी दिखाई मेरे साथ तो पिटाई होगी। पापा प्लीज, अग्निपथ मेरी फेवरेट फिल्म है, कल से मैं पक्का 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा। चुप, देखते तो ना। क्यों, फिल्म देखने से अगली बार फर्स्ट आएगा क्या? चलो माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, घर पर रह जाओ। कितना पड़ेगा? वैसे भी फर्स्ट के ऊपर कोई गारंटी होता। चल सुनो। यस सर। निखिल अंदर है, मैंने उसको कमरे में बंद किया है। यस सर। अगर वो बाहर निकले तो? सर नहीं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो अंदर चले जाए। अबे दरखास्त नहीं, उसका कान पकड़ के उसको अंदर कर देना। यस सर। सर आपकी डायबिटीज की दवाई। डायबिटीज? हाँ सर। मुझे? हाँ सर। डायबिटीज के लिए विटामिन सी की गोली है? सर निखिल ने बोला आपको डायबिटीज है। और निखिल कहाँ है? वक्त पे पहुंचने का अपना पुराना आदत है, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए माफी चाहता है। निखिल कहाँ है? पढ़ाई कर रहा है, बाद में खाएगा। कमरा बंद करके पढ़ रहा है? तो क्या खिड़की दरवाजे खोल के पढ़ाई करेगा? बंद कमरे में कभी शरीफ काम हुआ है? आप पुलिस में हो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सब चोर है। पापा हम चलेंगे, उसका आईपीएस में कभी नहीं होने वाला। रिटर्न में 5 हो भी गया तो इंटरव्यू में निकाल देंगे, रेवेन्यू में लेंगे नहीं क्योंकि सारे पैसे खर्च कर देगा, और अगर फॉरेस्ट में चला गया तो जंगल ही बेच देगा। तुम अपना मुंह बंद करके खाओ के प्लीज। तुम घर से घर पे क्यों फोन कर रहे हो? दिल्ली में नहीं हो तो कहाँ हो? मुंबई। नहीं नहीं सर, थोड़ी सावली। मम्मी प्लीज पापा को मत बताना। 8.5 दे दे। वो राजीव की शादी है ना, तो पापा से पूछता तो वो अलाउ नहीं करते। अरे तुझे बोला था ना माता, इस बार आईएएस के एग्जाम में वापस फेल हुआ ना, मामा जी मेरी जी सेकेंगे। कैसा कैसा भाई है तू, सिर्फ डराते रहते, आगे देखना। तो इसको माइनस। एक सेकंड होल्ड करो, सुनो तो।
आठ आठ सौ में से माइनस 1.4। हाँ मम्मी। तुम घर से निकले कैसे? खिड़की से। खिड़की के बाहर तो ग्रिल है। हाँ ग्रिल में स्क्रूज है और ड्रॉ में स्क्रू ड्राइवर था। इसका मतलब तुमने खिड़की खुली छोड़ दी? हाँ मम्मी वो प्लीज बंद कर देना वरना मच्छर आ जाएंगे पापा गुस्सा हो जाएंगे। निकल तुम भी ना। आप कहीं जा रही हैं? फिलहाल तो फंसी हूँ। जल्दी चले प्लीज। सही है यार। क्रिकेट ना 20 ओवर का ही होना चाहिए, 3 घंटे में मैच खत्म। यार मेरे हिसाब से 33 प्लेयर्स खेलने चाहिए, 11 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 11 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और 11 स्पेशलिस्ट फील्डर्स। वरना टैलेंटेड सेंचुरी की उम्मीद करते हैं। जैसे बेसबॉल ग्राउंड जो है ना रिवॉल्विंग होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कर्ज फिल्म में था, यहाँ ग्राउंड घूमेगा वहाँ फील्डर्स, बॉलर्स की बात क्योंकि फील्डर्स घूम रहे हैं, बैट्समैन की बात की कहाँ गैप निकाल के शॉट मारना है और फील्डर्स की सुपर बैट की भागे की रोके। धासु लेवल का घटिया आइडिया है। सोचो कि फर्स्ट 15 ओवर्स में सर्कल के अंदर 2 फ्लाइंग फील्डर्स उड़ उड़ के बॉल पकड़ेंगे। चलेंगे? तुम ढीला चल देती हो। तुम लपेटते भी तो अच्छा हो। सोचो मैं आइडिया होती हो तुम टेक्नोलॉजी, हमारी पतंग क्या मस्त उड़ती ना। चलो भैया। गोवा आना है? पर शादी? तुम्हारी शादी है? नहीं। तो फिर आ जाओ। क्या बात कर रही हो? ओके। Hasta la vista. Shubham Pista. સ્વાગત છે તો ભાઈઓ આજે મન મૂકીને જલસા કરશું કારણ કે આજે સોલંકી પરિવારે આમરસ કોમ્પિટિશન ઘર પે વાત કી ક્યા બોલા મામી ને ચલ મુજે એક 8 મિલી યાર અરે 8 છોડીએ સર યહાં તો સુનિયે આમરસ ખાને કા કોમ્પિટિશન શરૂ હોને વાલા आप भी बैठिए ना। दुल्हन की बहन है कर्क राशि, है ना एकदम 7 जन्मों वाली आइटम। ये आम वाली तो बिजली का नंगा तार है गुरु। नंगा तार नहीं सर, पूरा ट्रांसफार्मर है। Thank you.
फंसी तो फंसी। मॉडल है, हीरोइन बनने वाली है, आपको भी हीरो बनना पड़े। थैंक गॉड, तुम्हारे बिना मैं क्या करता। असली घी में बनाया इसे। वेरी नाइस। तुम भी आईपीएस हो? नहीं, पापा आईपीएस हैं, मैं आईएएस। वैसे हमारी फैमिली में सभी लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सिवाय निखिल के। अरे निखिल एग्जैक्टली क्या करता है? निखिल, निखिल इवेंट्स। कह रहा पहले के लिए बताया, अभी सूत्रों ने बताया सर। अबे तेरे सूत्रों की रिंग में अटके थे ना सर। अबे तेरी रिंग में डालूंगा, अंदर रुक जा। हेलो, यस सर। सर मैंने एक खबर सुनी है कि सर बिट का डिपॉजिट 1 करोड़ से 6 करोड़ हो गया। बंदोबस्त करता है, ऑर्गेनाइज करता है। जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे लोगों का आना जाना, रहना, खाना पीना वगैरह। यानी वो कैटरर है, बिजनेसमैन है आप लोगों जैसा। पापा, आप जानते हैं मैं दहेज में विश्वास नहीं रखता। कितना चाहिए तुमको? एक्चुअली पापा, मैं आईपीएल की मीटिंग में था, वो लोग जान के इतने खुश हुए जब मैंने उनको बताया कि मैं कावेरी साड़ी के देवेश सोलंकी की बेटी करिश्मा सोलंकी से शादी कर रहा हूँ। मुझे मेरा, मेरी बेटी का और मेरी कंपनी का नाम मालूम है। आई फेल सो प्राउड पापा जब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आप एक साड़ी की दुकान में साड़ी दिखाते थे। साड़ी की दुकान में साड़ी दिखाते हैं, मूंगफली बार रेकड़ी पे बेचते हैं। तुमको चाहिए कितना? एक्चुअली पापा, आपको तो पता है मैं आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का कॉन्ट्रैक्ट लगभग मिल गया है, पर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बिट का डिपॉजिट 1 करोड़ से एक मिनट, वो करिश्मा से 30 लाख रुपये लिए थे फ्लैट के लिए और लौटा दिए। 25 लिए थे पापा, बाकी के तो एडजस्ट कर लिए थे। अच्छा, और ये हमारा देवेश है ना, वो तो राजा है, बद्दा धंधा का राजा, ये साड़ी किंग, कावेरी A1 शोरूम, और वो मोटा छोटा विपुल है ना, वो पॉलीमर, पॉलीमर प्रिंट। हेलो, और बाकी? बाकी ठीक है। आप कैसे अंकल? और बाकी? पापा, निखिल ने खरीदी? अबे खुद को बेचू क्या? क्या बेचा? किडनी बेचा? पा, आपने सोलंकी फैमिली में सेटिंग करके क्या जीनियस मास्टर स्ट्रोक खेला है सर। अब हमारा बिजनेस ये क्या? पकड़ यार, तुम ये बार बार ब्रेकअप की तलवार सर पे क्यों लटकाते हो? करिश्मा आज नहीं यार, अब क्या गलती कर दी मैंने? पापा से पैसे मांगे, जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? यार वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो है जो मुझमें नहीं है। मुझमें ईगो नहीं है किसी कुछ मांगने में, और जो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है वो ईगो होता है। जो मेरा सेंस ऑफ सेल्फ है मुझे ये कहता है किसी कुछ लेने में ईगो नहीं रखना चाहिए। यार मैं क्या करूं, तुम ही तो चाहते हो कि मैं बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्रैक करूं, और वही ट्राई कर रहा हूं। अब एमरजेंसी नहीं होती तो नहीं मांगता ना। तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे पापा से पैसे नहीं लूंगा। आई विल मैनेज, ओके? इट्स नॉट ओके। तुम हर चीज इतना कैजुअली कैसे ले सकते हो? कल कॉन्ट्रैक्ट था, आज नहीं है। पापा वाज राइट, तुम कुछ नहीं करोगे, बस घर जमाई बन के बैठ जाओगे। तुम ही बताओ मैं ऐसे आदमी से प्यार कैसे कर सकती हूँ जिसको मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। Such a loser, useless. करिश्मा यार, जब तुम स्ट्रगल कर रही थी तब तुम्हारे पापा ने नहीं, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। जितने पैसे कमाए सब तुम पे खर्च किए।
तुमने 7 साल मेरा साथ निभाया, मुझे 7 दिन और दे दो, जस्ट 7 डेज। आई प्रॉमिस कि शादी से पहले तुम खुद मुझे बोलोगी कि मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, बट प्लीज यार मुझे एक लास्ट चांस दे दो। वन लास्ट चांस है, माँ पानी। दरवाजा तो खोलो कोई। लखनऊ में शादी करते तो तोपों की सलामी करा देता। सलीम यार हमारे पास यहाँ साथ पानी के लिए तरस रहे हैं, न पीने के लिए न धोने के लिए। टैंकर मंगा है। हाँ रोहित के साथ मीटिंग फिक्स करना यार। सबके सब बह रहे हैं। अबे वही तो देखा 5 करोड़। हेलो सलीम, एक मिनट। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटे, कैसे हो? नमस्ते पापा। हाँ जी नमस्ते माँ जी। कैसे हो बेटे? नमस्ते। हेलो बुआ जी। हेलो जी। बाय लगी चाची जी। देख भाई ये कुली उली गया, मुझसे नहीं होने वाले। एक सेकंड निखिल यार तू देवे को घुमाने ले जा रहा है ना? अरे भैया मैं काम कर रहा हूँ, जाना। अरे मुझे बच्चे को संभालना है यार। भैया प्लीज बच्चों को तुझे मालूम पड़ेगा। एक सेकंड करिश्मा को कॉल आ रहा है। हाँ करिश्मा। हाँ डोंट वरी। अरे मैं तुम्हारे गेस्ट को होटल दिला दूंगा। अरे डोंट स्ट्रेस, तुम शूटिंग जाओ ना। हाँ मैं करता हूँ सब। ओके आई विल कम इन 5 मिनट्स। ओके ओके बाय बाय। दिव्य भाभी आपको कबीर मुंबई घुमाने ले जाएगा। या अरे शूटिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ी बहू की चेंज करो ना मंजली के करो, मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा। या हाय तो ये है तुम्हारे 5 मिनट। नहीं वो सॉरी ट्रैफिक था। इसी दिन शादी करनी थी, सारे होटल्स फुल है। अरे 7 लाख साल बाद ऐसा मुहूर्त निकला है, इसीलिए होटल्स फुल है। 7 लाख साल पहले सिर्फ डायनासोर ने शादी की थी। ये गेस्ट है निखिल, ये मीता है। आ निखिल छे आता ने रूम अपाव से। 3 दिन तक मेरा शूटिंग है डे नाइट, तब तक मैं घर पे बात करके देखती हूँ, उसके बाद घर लेके जाती हूँ। ओके तारो नंबर दे। इफ यू कॉलिंग फ्रॉम इंडिया देन 00867896154। स्लोली स्लोली। 0 0 8 6। नीता जल्दी बोल। 7896142। नोपो मेरा पुराना वाला है। 0 0 8 6 2 6 3 3 1 4 2। नहीं वो लैंडलाइन का है। मेरा मोबाइल नंबर। तेरा इंटरनेशनल नंबर छोड़, ये मेरा दूसरा नंबर है, यूज़ करो। तुम ये मैनेज कर पाओगे ना? कम ऑन करिश्मा, ऑफ कोर्स। कॉफ़ी ख़त्म कर देना। या बाय। याद है हम दीक्षा की शादी मिले थे 2020 क्रिकेट। गेस्ट हाउस होटल नहीं मिल रहेगा। अच्छा कहाँ पे? गोवंडी। अच्छा SMS कर। ओके बाय। मेरा ब्लूटूथ पड़ा है कहीं, देखा है तुमने?
हाँ कभी अबे भाभी ये भोड़ी है क्या अबे कितना घूमती है यार ये दिव्य भाव के घूमने का क्या चस्का लग गया अरे सुबह जो भी लेके गया तो बोल रहे पानी नहीं सफेद गुलाब देखने हैंगिंग गार्डन लेके जाना अब उन्हें नेशनल पार्क लेके आया हूँ तो यहाँ पे उन्हें शेर देखने यहाँ शेर कहाँ से लाऊंगा यार मैं तू ना मुझे कुली बना पर इस बला से मुक्त कर तू झूले जा बंद कर दे वहाँ पे मुझे फोन करना मत कर वो देखा जो गोला खा रहा है वो पाटोल है वो तुम्हें गेस्ट हाउस छोड़ देगा मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ सॉरी मैम अब करिश्मा को कॉल करना इन केस हाँ पहले तुम चढ़ो वैसा कर परसों के लिए जू होटल बुक कर मीटिंग के लिए जगह थोड़ी बड़ी नहीं है मीटिंग के लिए नहीं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है एकदम तोड़ो हाँ करिश्मा के सारे टीवी इंडस्ट्री फ्रेंड्स सेलिब्रिटीज फैमिली सबको बुलाना है आर यू श्योर वो इम्प्रेस होंगी 7 साल से संभाल रहा हूँ मुझे पता क्या करना है और बाकी और बाकी और बाकी से शुरू कीजिए आंटी जी आप शुरू कीजिए ना मैं एक गाना गाइए ना आंटी जी चलिए तो से चुटकुला बोल दीजिए या फिर नर्सरी राइम ही गा दीजिए इंडिया का A1 शोरूम खावेरी तो आप लोग अपना टैक्सेशन कैसे हैंडल करते हैं सब पक्के बिल रहते हैं ना पक्के बिल एकदम कंप्यूटराइज्ड प्रतीक्षा दीक्षा अमृता और करिश्मा आपकी बहू हाँ हाँ करिश्मा और पांचवी थी आई सलवा क्या प्रतीक्षा ढंग के तो कपड़े पहनो टाइम मिले तो पहनो ना इस घर में प्रतीक्षा और मीता दोनों बहनों को ड्रेसिंग सेंस नहीं है मीता बहन है मीता बहन नहीं सबकी माँ है मत नाम ले तू काम मत ले नाम गलती हो गई अल्पेश का आई एम सो शांति रखो मैं एक सेकंड आया मन करवाने का तुझे ये सब कुछ करिश्मा मीता तुम्हारी बहन है कभी बताया नहीं तुमने दीक्षा की शादी पे हम सबको छोड़ के भाग गई थी अल्पेश्वर को पता चला ना तो वो उसे मार डालेंगे अरे लेकिन तुमने किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो वापस आई है पर मुझे तो बताना चाहिए था ना मीता
मीता मीता चलो साले कुत्ते मच्छर देखे तूने यहाँ पे अबे सर सर करना बंद कर डेंगू हो जाता तो नहीं नहीं सर डेंगू के मच्छर रात में नहीं काटते हैं सर तेरे से पूछे काटेंगे ना रिसर्च किया तूने डेंगू पे अबे कुछ तो काटता होगा रात को मलेरिया के मच्छर काटते हैं सर पक्का मत यार फोन रख मुझे मच्छर नहीं काटते सॉरी मुझे पता नहीं था ये जगह ऐसी है इट्स ओके वैसे पक्का खाना खाया ना तुमने यप मीता यप हेलो एक गीला डॉल एक गीला टावल मिलेगा हाँ गीला टावल ट्राई नहीं चलेगा गीला कर देना ओके वैसे चाहिए क्यों गीला टावल पेट पे रखने से भूख मर जाती है भूख लगी अभी तो पूछा था बाहर ये टाइम पे यही खुला है लास्ट ऑर्डर है दो हाफ बटर चिकन एक टॉम यम सूप वन बाय टू नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए दो हाफ में एक फुल से ज्यादा मिलता है कहते हैं जो याद करा उसका नाम लो तो हिचकी बंद हो जाती है फिर तो डेफिनेटली मेरा नाम लेना चाहिए क्योंकि जब से मैं गाड़ी में बैठी हूँ तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ मीता मीता Hiccup is essentially an involuntary spasm of the diaphragm which causes sudden closure of the epiglottis which creates the And the remedy for that is ki usko aise hi rehne do lekin agar bahut der tak nahi jaye to you can take medicines like Maliperidol, Fluoropromazine, Fenobarbital jo abhi gaadi mein nahi hai ek aur tarika hai ise Swimmer's remedy kehte hain lekin ye bhi tum abhi kar nahi sakte kyunki tum abhi gaadi chala rahe ho hey
तीसरा तरीका शौक। तुम डॉक्टर हो क्या? नो। वैसे याद है हम मिले थे वो फ्लाइंग फील्डर्स। ब्लैक टी? ब्लैक टी तो नहीं है। ग्रीन टी? नो। चाय? आई वुड लव कॉफी। ओ चाय? चुपचाप पी ले। चल उठा। नखरे इनके।给我江晴，你要快点啊，否则你再不带钱回来，他就拆了我们的实验室。米大，我求你快点回来，你知道他是多么可怕的人啊。嗯，好吧。啊。सॉल्ट। सब लोग काम कर रहे हैं, फिर हमें साड़ियां खरीदने के लिए भुलेश्वर कौन ले जाएगा? आप लोग भुलेश्वर जा रहे हैं? मैं भी भुलेश्वर जा रही हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, यू कैन कम विद मी। तुम कौन हो वैसे? आप कौन है? मैं सरू। कैसा नाम है? सरस्वती। मैं कबीर की दादी। मैं कबीर की दोस्त। दोस्त मतलब? तुम कबीर की दोस्त हो? तुम रहती कहाँ हो? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना? और कबीर तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं? पता नहीं ये चाइना में रहती है, तुम तो कभी दिल्ली से बाहर गए नहीं, फिर इससे मिलेगा? वो इंटरनेट पे चैटिंग। सुनो, किसी को बताना मत कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? करिश्मा की बहन यार, पर ये बताना बता। हेलो, चाची आपको मालूम है ना कि हमारे कानपुर में हमको कनपुरी आइडल कहते हैं। अच्छा, वो तो किस्मत ऐसे गधे के गोबर से लिखी थी कि हम इंडियन आइडल बनते बनते रह गए चाची। अरे रे रे, पर क्यों? दरअसल हर आइडोल के पीछे कितने आइडोल होते हैं और हर बेडोल के पीछे एक जज। दरअसल हमारे गाने का स्टाइल अन्नू जी को शायद समझ में नहीं आया। कौन सा गाना गाया था? सुनाते हैं। एक गरम चाय की प्याली को लगाने वाली हो, सीने से लगाने वाली हो। यस,
मिल जाए तो मिट जाए हर गम परम पम पम परम पम पम परम पम 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 तरवाम पम पम ये वाला गाना गाया था गुड राय अरे आईमैक्स फिल्म दिखाना 3D में 3D ग्लासेस लगाए ना तो उन्हें पिंपल्स हो जाते हैं तुझे कैसे मालूम उन्होंने बताया वो तेरे को क्यों बताएगी उन्होंने बताया मैं क्या करूं अरे यार तो लेके जाना उनको चर्चे जा अफगान चर्च माहिम चर्च हाजी अली सिद्दीक विनायक भगवान की अगर छोड़ दे और मुझे फोन करना बंद कर हाय कैन यू प्लीज रिमाइंड मिस्टर रॉय इन मीटिंग इन 40 मिनट्स निखिल आई एम सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग हेलो निखिल मीता को कौन से गेस्ट हाउस में रखा है अरे नहीं वो गेस्ट हाउस में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए इसको मैं अपने घर पे ले आया क्यों पागल हो क्या She's a drug addict, Nikhil. अरे उसका कुछ भरोसा नहीं है वो कुछ भी कर सकती है अब कहाँ है वो ताकत लगाई हाँ वो माँ को लेके गई बुलेश्वर साड़ी खरीदने तुम डफर हो क्या वहाँ पे हमारी दुकान है अल्पेश काका होंगे देख लिया तो करिश्मा मैं तुम्हें फोन करता हूँ मेरे को 5 मिनट ओके ओके बाय फैमिली सो हाउ इज मिसेस रॉय मिसेस रॉय She's, you know, there are some medical issues and basically it's to do with the gallbladder. Doctor was saying whether it was also the knee, you know, the knee is pus. You know, there's a lot of pus and having a doctor... Can I meet in 2 hours? Me? I'm so sorry, but, you know, today is a bad day. Sir, can you give me 5 crores? Actually, sir, I'm really sorry I have to go, sir. I'm sorry, sir. चप्पल टूट गई है अरे चलिए टूट गई चप्पल आप यहीं रुको यहाँ से जाना मत मैं इसे ठीक करा के लाता हूँ हेलो 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 ये सिग्नल भी तो है ना कम ऑन कम ऑन ऑलमोस्ट देयर ऑलमोस्ट देयर सर वो पीछे रह गई अभी नंदन भी नहीं दिखाई दे रहा ओके ये कावेरी है आप लोग यही रुको मैं उनको लेके आती हूँ ओके ओके हेलो आप यहाँ क्या कर रही है मैंने आपको पीछे छोड़ा था ना बाकी लोग गए सब लोग आगे चले गए ना मैं क्या करूँ अच्छा ठीक है यही रहना मैं दूसरों को लेके आती हूँ ओके 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 आपको प्रॉब्लम क्या है मैं आपको कहा था ना बाहर रहने के लिए और वो लड़का कहाँ है अनु मलिक वो तो पीछे छूट गया ना व्हाट इज दिस आगे पीछे आगे पीछे व्हाट इज दिस आगे पीछे रिडिकुलस गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी चुप चुप कर तुम मिला कर मिला कर यहाँ पर स्ट्रैप कहाँ मिलेगा चप्पल मिलेगा चाहिए क्या सेम पीस रिप्लेस करके क्या लगे सॉरी आप मेरे साथ गेम खेल रही हैं अरे बेटी मैं कब से एक टांग पर खड़ी हूँ प्लीज गलती करके आगे मत करो रिडिक्यूलस अब आप यहीं खड़ी रहो ओके ओके क्या कर रही हो क्योंकि मुझे लगता है ये बैरी है मैं इनको बोल रही हूँ यार रहने के लिए लेकिन वो कर...
कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी इधर है, कभी उधर है, कभी माँ जी मिल गई, मिल गई। चलो लच्छू 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 चलो क्लोन क्लाउन होगी तुम, ये दोनों तो जुड़वा हैं, बैली कहेंगी सिग्नल का प्रॉब्लम है। चली गई, छोड़ो नहीं प्लीज छोड़ो। अच्छा हुआ चली गई, बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंटल थी। मुझे पापा से मिलना है। अरे चुप यार, पापा से नहीं मिल सकती तुम, चुप। उसको वहां मच्छर काट रहे थे, वो खाना नहीं खा रही थी, पेट पे गिरड़ा वाले केस होती है। तो खाना खिला देते ना, घर पे लेके जाने की क्या जरूरत थी। मैम सलीम, इतना तुम्हारी बहन है करिश्मा, तुमसे जितना कहा है उतना करो ना। पैसे ऑर्गेनाइज हुए, वो हो रहे हैं, प्लीज तुम उस पे फोकस करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जाना है। तुम ड्रग्स लेती हो? नोप। तो वो जो पिल्स खाती हो वो क्या है? दवाइयाँ। कैसी दवाइयाँ? डाइक्लोरोसिस्टिन, जिंकोडेस्टिन, ऑक्सीडाइसल्फाइड। तुम बीमार हो? नोप। तो लेती क्यों? मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, दगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुखबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल। उतर गई तुम्हारी? तुम जो ये पिल्स खाते हो उसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, मालूम है तुम्हें? बहुत सारे हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, डेफिनेटली भूख बहुत लगती है, खाना खाने से इसका इफेक्ट कम हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा पिल्स खा लूँ तो हार्ट रेट 300 से ज़्यादा बढ़ने लगता है, इतना ब्लड पंप होने लगता है कि नाक से खून बहने लगता है, और हाइपोग्लाइसीमिक शॉक, कोमा, फिर मौत। तुम्हें इनकी आदत लग चुकी है? 15 दिन पहले तो फॉर्मुलेट किए हैं, 21 दिन लगते हैं आदत होने में। सब ड्रग एडिक्ट्स ऐसे ही बोलते हैं। मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, 7 साल से नहीं किए। सर सर, ओके कम ऑन गाइस, लिसन अप। ओके ध्यान से सुनो, सबसे पहले म्यूजिक शुरू होगा, फिर ड्रेप्स, फिर फ्लावर्स, फिर फाउंटेन, फिर क्रेन, एंड फाइनली fireworks. Okay? Got it? Yes, sir. Yes, sir. You got it? सोचो ये करिश्मा है? अबे चलना यार. तो ठीक से बैठ. मीता जी बड़ी हंसी आ रही है, एक काम कीजिए आप आइए ना. आई छोड़ना यार, तू बैठ ना. नहीं नहीं सर, लेडीज को करने दीजिए ना. आई आइए. ओके चलो करिश्मा यहाँ देखो. हाँ तू सुन. यस सर. तो ऐसा कर कि करिश्मा प्लीज यहाँ देखो, टेंशन ना, वी आर स्टार्टिंग नाउ. ओके चलो म्यूजिक स्टार्ट करो. म्यूजिक. और ये शुरू होते ही वो सरप्राइज हो जाएगी. अभी म्यूजिक शुरू कर यार. म्यूजिक म्यूजिक James, 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 James
बजाओ बजाओ ओए म्यूजिक सलीम तेनु तक दिरवा नैना च तेरे मैं बस दिरवा पागल मैं खुद नू बना दिरवा तू हसदा रवे मैं हसा दिरवा तेनु तक दिरवा ऐसे लग रहा है कि नीचे ठंडे ठंडे पानी के फवारे फूट रहे हैं और ऊपर गर्मा गर्म फटाके फूट रहे हैं और हम झूल रहे हैं। सर अगर ऐसा ही रहा तो कल की पार्टी हो जाएगी। आप करिश्मा जी को कैसे इंप्रेस करेंगे? ओके सॉलिड प्रेशर मी गो फर्स्ट आई विल सिंग फॉर यू। नो नो प्लीज इट्स ओनली अस। पक्का? वी पक्का ब्रदर। अरे कावेरी जी चीनी खत्म कैसे हो गया? मॉम माय चॉकलेट्स आर मिसिंग। डोंट लाइ यू एट देम राइट। सुबह से टॉयलेट के चक्कर लगा रहे हो, पेट खराब है? मेरा दिमाग खराब हो गया है, घर से सारे टूथपेस्ट गायब हो गए। आपकी बेटी की शादी है और आपको टूथपेस्ट की पड़ी है? मुझे चोरी की पड़ी है। राति निकली डोकरी ने बेल्ट सेल कर सोकरी मरसामा गोले ने जाते मेल्यू से केलुए ने लागियो मगज जेनु भागियो लोसो ने लापसी बदबई घुसे। करिश्मा आज तो पापा के साथ बात कर, तीन दिन हो गए प्लीज। पोता ना वैसे धंधो ना है वेवा मा कोई तेवा ना है वरन पर चुकवाना ना है बूम बूम पारी। हेलो एक्सक्यूज मी नीता, सुबह से दो फोन आ चुके हैं। हेलो चुआओ माँ कह रहे गुजराती कह रहे इंग्लिश कह रहे चाइनीज में बात करे। राते निकली डोकरी ने बैर सेल करे सोकरी मरसा मा गोले ने जाते मेल्यू से येलो ने लागियो मगज जेनु भागियो लोसो ने लापसी बदबे घुसे। मुड़ी लेने धंधो ना होए पाका बिल देवाना ना होए नुकसान मा ना फोरोज ना होए सेल्स टैक्स अपानो ना होए पोता ना पैसे धंधो ना होए वेवाल मा कोई तेवार ना होए वलन पर चुकवाना ना होए खोटा खर्चा बतावाना ना होए। लाल लागे पीलून पीलू लागे दौड़ो एवी गोलियो खाए से ज्यारे साल तो गांव में डायर सोकरी हमरे बूम बूम टेक्नो 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 ना होए ना होए। ना होए बका अरे निखिल भैया आप ही की पार्टी और आप ही लेट हो रहे हो, जल्दी चलिए। हाँ तुम लोग निकलो मैं आ रहा हूँ। मैं भी चलूँ, मुझे पापा से मिलना है। Um,
तुम्हें नहीं लगता है सही मौका है मीता को रिलॉन्च करने का? रिटर्न ऑफ मीता। पापा को मारना चाहते हो तो ये डेडली आइडिया है। शादी का काम संभालू कि गांडी के पीछे घूमू? परेशान हो गया हूं मैं। पापा वो मेरा प्रोजेक्ट देखा देखा हुँ? कितनी बार मैंने तुझे कहा था कि इसे इतनी छूट मत दे तू। कहा था कि बाहर मत भेज तू इसको पढ़ाई के लिए, लेकिन तूने भेजा। कहा था हॉस्टल में मत रख, रखा और आज शादी में भी चली आई है। मेरी शादी में आने से आपको क्या प्रॉब्लम है? चुप! मुझे तुझसे प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। इसका बाल देख बाल, इसका हुलिया देख तू, ये फटी जींस, ये किसी भी एंगल से लड़की दिखती है तुझे? देवेश ये तेरे घर दामाद नहीं बहू लाएगी, बहू है कि नहीं? आप डिसाइड कीजिए मैं बोलूं या चुप रहूं। तमीज से बात कर वरना मार डालूंगा तुझे। तूने बिगाड़ा है ना इसे, तू ही संभाल कमजा। पापा मेरा प्रोजेक्ट। पापा प्लीज बस कर, शादी का घर है, ढंग के कपड़े तो पहन। दीक्षा की शादी के एक दिन पहले सारे पैसे चोरी करके भाग गई थी। पापा को हार्ट अटैक आया, विदाई के दिन वो आईसीयू में थे, तब जो गई थी अब आई है। उस मीता को तुम रीलॉन्च करना चाहते हो? वाह वेरी गुड। क्या वो क्या मीता गाड़ी में है? या व्हाट शिट, क्या हुआ? अरे यही तो थी। अब कहाँ है? मैं हूँ बाहर से, मुझे सब बच्चों कहते हैं। दीक्षा प्लीज किसी को कुछ बोला मत, मैं आती हूँ। करिश्मा छोड़ो, आई डोंट केयर। दर्द हो रहा है।
खाते हैं क्या? बहुत सालों से नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, दोपहर से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अगर तुम भूख से मर भी रही ना तभी मैं रोकने नहीं वाला। विघ्न हो विघ्न, सिद्धि विनय का एक चक्कर चक्कर मारा उसकी सजा होती। अरे सब सेटिंग करके रखी थी यार, इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया था, वो माफ कर देती मुझे, सब चौपट कर दिया तुमने। तुम क्या है, दिखता नहीं तुम्हें? पर निखिल क्या है जी? आज तो कई अर्जेंट काम है तो बाहर गए हो छे। इवेंट का पेमेंट हो गया ना, आई कैन एंजॉय ना। सिर्फ 5 वाला पाव प्लीज। निखिल? नो, वो बड़ा पाव लेने गया। तुम कौन हो? आ गया। हाँ जी पापा। नहीं मैं आ रहा हूँ तुरंत। हाँ जॉर्ज, गाड़ी बंद पड़ गई, SMS करता हूँ। हाँ पैसे दो और भूख लगी है। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ बारिश में डेट पे हैं? लस्सी वस्सी मंगाऊं दोबारा? वे लॉक्ड इन मीता, समझ नहीं आ रही तुम्हें? लाइट ब्लॉक हो रही है। क्या हुआ? बैटरी डेड है। तो अब क्या? लैपटॉप चार्जर है? हाँ गाड़ी में। अरे जो भी करना जल्दी करो, मुझे पार्टी वापस जाना है। यप। ये बैटरी यहाँ चार्ज हो जाएगी? यप। से केमिकल इंजीनियरिंग, तो चोरी करके क्यों भागी? मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे और पापा ने दिए नहीं, उनको लगा मैं ड्रग्स के लिए पैसे मांग रही हूँ। I had no other option। सही है यार, मुझे भी ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते? तो 7 साल किया क्या वहाँ पे? यहाँ से भागने के बाद मैं चाइना के जेजियांग यूनिवर्सिटी में PhD करने गई। 3 साल के बाद मेरा PhD खत्म हुआ, मेरा ग्रांट खत्म हुआ, लेकिन रिसर्च का काम नहीं खत्म हुआ। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टर से मैंने पैसे लेकर एक छोटा सा लैब खोला जहाँ पे मैं अपना रिसर्च कर रही हूँ, और अब तक मैंने ये बनाया है। सात साल में ये इन्वेंट किया तुमने?
इसके लिए पापा क्या मैं भी पैसा नहीं दूंगा? It's a high density polymer. The material's density is increased so much that millions of molecules become one single molecule. This material then doesn't absorb any energy. It only reflects. उसी पॉलीमर से ये बॉल बना है. And it'll keep bouncing. Till it's stopped by an external force. तुम्हारी बैटरी चार्ज हो रही. इस बॉल को अगले आईपीएल में लॉन्च करते हैं. सचिन धोनी यूवी सबकी लगेगी. इस छोटे से बॉल से एक पूरी बिल्डिंग को 24 घंटे लगातार हर दिन बिजली मिल सकती है. Hey guys, don't leave now. Please, Tina, please. Why? हाय, एक सेकंड आओ ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है. इतनी देर क्या कर रहे थे? तुम्हीं ने तो कहा था छोड़ के आने के लिए. टाइम पास थोड़ी ना करा था. मुझे क्या पता. करिश्मा, 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 एक बार आओ तो सही यार. सब रेडी, एक बार देखो तो सही. Come on, Krishma, it's very embarrassing. Don't go like this, yeah? You deserve it. Sorry. ऐसे हाथ खोलो, स्ट्रेच करो, अच्छा लगेगा. बच्चे कैसे सोते हैं? हाथ खोल के एकदम ओपन, स्ट्रेस फ्री, नो बैगेज. बच्चों का ब्रेकअप कहाँ होता है? एग्जैक्टली. बड़े होकर हम लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और मुट्ठी हमेशा ऐसे बंद रखते हैं. क्या है? प्लीज एक ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. मैं कुछ भी करूं, करिश्मा कभी खुश नहीं होती. बात बात पे ब्रेकअप, बिना बात के भी ब्रेकअप. इतनी प्रॉब्लम है तो ब्रेकअप कर लो. तुम बहनों का गुरु मंत्र है क्या ब्रेकअप? पिछले 7 साल से हर महीने ईएमआई की तरह तुम्हारी बहन ब्रेकअप करती है. कई बारी मेरा भी मन करता है कि मैं छोड़ के चले जाऊं, पर डर लगता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वो नहीं आएगी मेरे पीछे मुझे समझाने, गिड़गिड़ाने. एक बार छोड़ के तो देखो. अरे मुझे नहीं छोड़ना यार, ब्रेकअप तो होता है 2 सेकंड में, उसके बाद जो बुरी तरह से मिस करते हो उसका क्या? और वैसे भी क्या गारंटी कि अगली वाली एकदम परफेक्ट मिलेगी? तो जब तक परफेक्ट वाली नहीं मिलती तब तक ब्रेकअप करते रहो, नहीं ढूंढते रहो. तो क्या फर्क है हमें और जानवरों में? सिंपल बात है यार, मतलब रिलेशनशिप तोड़ना बहुत आसान है लेकिन उसको बनाए रखने के लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, नोचा करना पड़ता. तुम्हारा फंडा एकदम प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत ही डिप्रेसिंग और अनरोमांटिक. तुम ये बताओ, तुम वापस क्यों आई हो? चोरी करने. चोरी करो, ऐसे करो.
पहले तो ऐसे था ना? हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। बुआ चलो बाहर बुला रहे। गार्गी वो नेकलेस नहीं मिल रहा क्या? ये निखिल के सो रहा है? नहीं पापा यही कहीं होगा। तुम पापा से मैं नहीं मिल सकती। डोंट आर्ग्यू। शट अप एंड गो टू योर रूम। समझो ना प्लीज। चुप बैठो। रुक जाओ। सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ। तुम ऊपर जाओ मैं आ रहा हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं। पापा ने देख लिया तो सब लोग यहाँ हैं। डोंट वरी नहीं मुझे आ रही है बस। तुम जाओ मैं आता हूँ। ओके जल्दी से आओ। या सब वेट कर रहे हैं। या तुम नीचे नहीं आ सकती। तुम ये रखो इसे तो मैं लॉक कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ लेकिन तुम्हारा वजन 2.2 निकलता है उसको नहीं। टॉयलेट जाना हो तो रोक के रखो बची नहीं हो। ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रम छायामार्तन संतम तम नमामि शिवम शनि नमः स्वाहा अधकाय महावीय चंद्रदित्यवि मदन सिंहकागरपसंपदम तम राहु प्रणम राहु देवताय नमः स्वाहा। कल के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। अबे यार हवन चल रहा था घर में लेट तो होगा ना। तू अदनानी को ब्रीफ कर मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ हाँ डोंट वरी पहुंचता हूँ। अरे शिट यार मैं अपनी लकी ट्राउजर पहना भूल गया। मैं आ रहा हूँ। दोगे भाई हार है चप्पल थोड़ी ना नीचे कौन रखता है। ये सब क्या हो रहा है? वो नेकलेस गायब हो गया है ना तुम्हारे पापा अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अरे यार पापा सॉरी यार वो पूजा के लिए गार्गी से साड़ी ली थी लेकिन वो मैं बहुत पानी पीती हूँ ना तो कंट्रोल नहीं हुआ। Really sorry यार। I'm here to see Mr. Adani. Sure, please have a seat. I'll call the manager. He'll take you in. Sir, आपके लिए 5 crore loose change है। आपने बड़ी-बड़ी industry change करी है। बस हमारी life change कर दीजिए sir। नहीं, मैं नहीं दूंगा। Sorry. क्यों? मैं मुकेश अदनानी हूँ। मैंने IT, रोबोटिक्स, बायोटेक, गेमिंग जैसी इंडस्ट्रीज का गेम चेंज किया है। तो मुझ जैसे इंसान से 5 crore मांग रहे हो? 5 crore में कौन सा गेम चेंज करोगे? अरे मुझे कोई गेम चेंज नहीं करना यार। मुझे बस शादी करनी है और उसके लिए मुझे 5 crore चाहिए। तो मैं दे देती हूँ। 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएंगे। थैंक्स बट प्लीज तुम्हारे खानदान से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारी बहन को खुश करने के चक्कर में मैंने बिजनेस शुरू किया। वो तो खुश हुई नहीं लेकिन भीख मांग मांग के मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की चली। तुम्हें तुम्हारे काम में मजा नहीं आता। ओके एक्चुअली यू नो मुझे छोड़ो
किसी को बताना मत, स्पेशली मेरे डैड को मत बताना। मुझे ना पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए था, आईपीएस। तो बन जाओ। पागल हो, 7 साल बिजनेस करने की कोशिश करी तो आईपीएस बनने का मन किया। आईपीएस बन गया होता तो पता नहीं चोर बनने का मन करता। ये मन की ना कोई गारंटी नहीं होती। मन की गारंटी, प्यार की गारंटी, काम की भी गारंटी। गारंटी कार्ड के साथ पैदा होना चाहिए था। अब तुम प्लीज चुप बैठोगी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वैसे भी ये लास्ट चांस है। चुप। अच्छा बोलो। चांस कभी भी लास्ट नहीं, हमेशा सेकंड लास्ट होता है। मिस्टर निखिल। या यू आर लेट बाय एन आवर। हाँ यार सॉरी ट्रैफिक। सर बस एक बार आप हमारी लाइफ मीटिंग है, थोड़ा और लेट आते तो शहर में मिलना पड़ता। प्लीज सर एक बार आप हमारी लाइफ चेंज कर दीजिए सर बस। हाय सर निखिल। सर आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन सर। सर इट्स सच एन ऑनर टू सिट विद यू सर। सर मैं आपसे 5 करोड़ मांगने नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपके साथ एक आइडिया शेयर करने, गेम चेंज करने। आपने क्रिकेट तो देखा होगा, पहले क्रिकेट कैसे होता था सर? पहले जब बैट्समैन बॉल मारता था और वो बॉल पेड़ पर अटक जाती तो जब तक फील्डर बॉल विकेट कीपर तक ना पहुंचा दे तब तक बैट्समैन रन ले सकता था। तो मैच खत्म करने के लिए उन्होंने बाउंड्री बनाई, उसके बाद टेस्ट मैच खेलने लगे, उससे बोर हुए तो वनडे, और फिर 20 साल बाद 2020 क्रिकेट। बट सर अब 2020 के बाद क्या, अब क्या खेलेंगे हम सर? नेक्स्ट इज वॉट 10-10। करेक्ट सर, पर उसके बाद क्या? उसके बाद 0-0 तो नहीं खेलते ना सर। तो सोचिए अगर मैं आपको कहूं कि हमारा क्रिकेट फील्ड जो है वो एक रिवॉल्विंग डिस्क है और उसके 15-8 सर्कल्स के अंदर 2 फ्लाइंग फील्डर्स उड़ उड़ के बॉल पकड़ेंगे सर। सोचो कि मैं आइडिया हूं और आप टेक्नोलॉजी, अगर हम दोनों साथ हो लिए तो हमारी पतंग क्या मस्त उड़ेगी सर। पूछोगे नहीं अंदर क्या हुआ? पता है पैसे नहीं मिले। तुम्हें कैसे पता? मिले होते तुम फोन पर होते और चिल्ला चिल्ला के ऑर्गेनाइज कर रहे होते। तुम्हें कैसे पता मैं ये सब कर रहा होता? तुम ऑक्सीजन हो, मैं डबल हाइड्रोजन, हमारी केमिस्ट्री एकदम पानी की तरह है। सर H2O। थैंक्स। सर पर ये तो हमारा लास्ट चांस था सर। चांस हमेशा सेकंड लास्ट होता है सलीम। थैंक्स। मेंशन नॉट। चीयर्स। मीता जी आ रही है ना? क्यों? नहीं, और उनके साथ बहुत मजा आता है पीने में। नीचे क्या कर रही मीता जी? वो देखो गेट पे। ए रुको 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 रुको। अरे कहाँ जा रही तुम? घर जा रही हूँ। क्यों? मुझे पापा से मिलना है। अरे एक दिन वेट नहीं कर सकती क्या? जब से आई हूँ मैंने पापा को देखा तक नहीं है।
सिर्फ देखना और कुछ नहीं, और तुम वो पिल्स देना बंद कर दोगे, प्रॉमिस? Say it. करिश्मा बेबी को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, बेबी का रूम इधर है। हाँ पापा, पापा, तुम क्या आ रहे हैं ना प्लीज? आइए पापा, एक सेकंड इधर आना। हाँ जी, क्या है? मैं यहाँ से ड्राइव कर रहा था तो मैं क्या सोच रहा था कि शादी के मंडप के बारे में कि मैं कहाँ बैठूंगा और करिश्मा कहाँ बैठेगी, डिसाइड तो नहीं किया। ये पूछने के लिए तुमने मुझे अभी उठाया? नहीं नहीं, मैं ये भी सोच रहा था कि मंडप के बारे में सोच रहा था कि ज़रूरी है कि मैं गाड़ी में हूँ, घोड़ी पर भी तो आ सकता हूँ। तुम रॉकेट पर आ जाओ, जैसे आना चाहो आओ, पर सही मंडप में आ जाओ। हाँ अब जाऊँ मैं। या यू राइट पापा, सॉरी आपका जगह है। थैंक यू। हो गया, देख लिया क्या? इतना बड़ा झाड़ है, कुछ दिखाई नहीं, और तुमने कहा था हिलना मत। अब मैं फिर से वापस नहीं आ सकता यार, प्लीज समझो। कहाँ क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? चलो, अरे चलो ना। पापा फिर से आ गए, वापस बाहर जाना है, ऊपर आइए ना। पापा, पापा आप एकदम सही बोल रहे थे, पार्किंग एकदम खचाखच भरी होगी, गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? मैं सोच रहा था कि मैं घोड़ी पे आता, लेकिन उसमें एक दिक्कत है पापा। सोचो कि आप घोड़ी हो, ये इधर इधर यहाँ 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 पार्क कर। अरे गिर जाऊंगा मैं पापा, घोड़ी को घोड़ी बढ़े रहेगा, पर चढ़ूंगा नहीं, दो मिनट। हाँ 70 degrees नॉर्थ वेस्ट डिग्री में कम। घोड़ी को यहाँ ऐसे करने में तबाही मजा आ जाएगी पापा। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इधर आइए। हाँ लाइट गिरनी चाहिए। कोबर 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 क्या कर रहे हैं आप? कोबर उधर। घोड़ी को मेन दरवाजे के सामने खड़ा रखोगे, फूल पत्तियां खा जाएगी। मुझे नींद में से उठाकर यहाँ टेरेस पे घोड़ा घोड़ा खेलने के लिए लेके आया है। मैं चल के आता। क्या हुआ बाबा, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगा कोई नहीं। पापा मैं निकलूं? अब और कोई एंगल नहीं बचा, चलें। चलें।
करिश्मा तुम्हारे लिए सही नहीं है, मुझसे शादी कर लो। ओके पिक वन, करिश्मा। और वैसे भी मैं ब्रेकअप नहीं करता। मुझे पता है, मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और तुमसे तो कभी मुझे भागना भी नहीं पड़ेगा। पर क्या गारंटी कि तुम एकदम सही निकलोगी? नहीं निकली तो? मैं लाइफ टाइम गारंटी देती हूँ। निखिल, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? आइए। ये सारी चीजें तुम्हारे बैग में थी, ये सब खरीदा है तुमने? बताओ वो नेकलेस कहाँ है? उसे बेच दिया या अभी भी तुम्हारे पास है? बोलो सच सच बताओ वो नेकलेस कहाँ है, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। कबीर, ऐसे चोर दोस्त है तुम्हारे? नहीं मिता, बोलो क्यों चोरी की? चलिए अंदर। आप भी गजब करती हो अम्मा, क्या जरूरत थी आपको चोरी करने की? अरे हमको क्या पता है कि इन लोगों की चार चार आंखें हैं। मिता जी का कितना डीप इंसल्ट हुआ सबके सामने। हिया देख जी। हाँ। पेटी कोट में दबाए। उमर माँ, हम गायत्री से छोटे हैं, कायदे से यहाँ तो हमको मिलना चाहिए था। अरे इधर दो, अभी पुलिस आ जाएगी तो पकड़े हम जाएंगे। शक्ल से ही शातिर चोर लगती है। कभी तुम उसके पार्टनर हो? ये अकेली है या इसकी कोई गैंग? रुको रुको प्लीज, वो पापा पुलिस वाले ना इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम्हें कैसे पता सही नहीं बोल रहे? मुझे पता है कि तुमने नेकलेस ही चुराया है, और ये सब जो है, जो दवाई खाने के बाद जो तुम्हारा दूसरा वर्जन निकलता है, उसका कमाल है। अचानक कैसे कैसे दोस्त पाल रखे तुम लोगों ने? तीन दिन में इतना कुछ जान लिया मेरे बारे में? तुम घबराओ मत, हम कुछ सोल्यूशन। अरे सो नेकलेस मैंने नहीं चुराया है, आपने सबके सामने मेरा बैग चेक किया, अब मेरे सामने सबके बैग्स चेक कीजिए। हम ये हर अपने लिए नहीं चुराए हैं, हम तो तुम्हारी होने वाली मेहरिया के लिए लिए थे। पर हमारी मेहरिया को तो अब जेल भेजने वाली थी, जेल में हो जाती है सजा हम भुगतते, नस काट लेते हम अपनी। चलिए नहीं तो उनके साथ शादी होने से पहले टूट जाएगी, रह जाएंगे हम सोलो गाना गाते। हमरे लल्ला, एक पुलिस ऑफिसर को एक चोर बताएगा कि चोरों को कैसे पकड़ते हैं? लेट इट बी देयर, कीप इट बैक। भाई ये मेरा है। दिस इज एविडेंस नाउ, कीप इट बैक। ये ब्लूटूथ निकल का है, ये चॉकलेट्स अनंत की हैं, ये सॉस हम लाए थे, चीनी भी, और ये क्लिप ये मेरे हैं, और ये टूथपेस्ट, ये लड़की टूथपेस्ट खाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। क्या टूथपेस्ट खाती है? भूख लगी होगी। ये लड़की एक चोर है। पापा प्लीज, जब तक आप ये साबित ना करते कि इसने नेकलेस चुराया तब तक उसको चोर नहीं बोल सकते। हाँ, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नियमों के अनुसार जिस पे शक सबसे कम होता है चोर वही होता है। ओहो। हाँ, और एसीपी प्रद्युमन भी यही कहते हैं। राइट, और इस रूम में सस्पेक्ट नंबर वन है आप। क्या? करेक्ट, एसीपी प्रद्युमन। ये एसीपी प्रद्युमन कौन है? किस आईपीएस बैच का है? मेरी बात करो उससे। सर आप अपना बैग लेकर आइए। मैं? अरे वो नेकलेस मेरा है, मैं उसे क्यों चुराऊंगा, पागल हो गया हूं क्या मैं? दया, इनका बैग। दया जी। ये दया कौन है? अभिनंदन, जाओ मेरा बैग लेके आओ। चाचा जी, यहाँ तो बैगों का मेला लगा हुआ है, कौन सा वाला? जो लाल रंग का बड़ा बैग है वो मेरा है। जिसमें हैंडल है काला वाला? हाँ। और दो पहिए भी? अरे टाइम वेस्ट करना बंद करो, जल्दी लाओ। अरे बकबक मेरा बैग लेकर आओ या मैं आऊंगा। अरे अरे दरवाजे में चाचा जी। कमान कमान मूव इट। नहीं हम आ गए, आ गए। एक पुलिस ऑफिसर का बैग चेक करना चाहती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन मुझे सिखाएगी। क्यों टहलने निकले हो क्या? क्या हो गया तुम्हें?
यही वाला बैग है। हाँ, अनारकली की चाल क्यों चल रहे हो? इधर रखो, इधर। उसे नहीं, इसे। इडियट। खोलो इसे। Are you sure? Sure, sure. Of course I'm sure. Open it. दिखाओ मैडम को एक आईपीएस ऑफिसर के बैग में क्या होता है। मोजे। हाँ मोजे हैं, मेड इन इंग्लैंड हैं। रख दो वापस। कच्चा। डोंट डिस्प्ले, कीप इट इनसाइड। ये क्या है? दवाई है, दवाई। जी वाइटल है। बैंडेज है। क्या करूं इसका, रख दो अंदर। हो गया, फिनिश। अरे ठीक से खोलो, ठीक से शनाख्त करो। मैडम को दिखाओ मेरे बैग में क्या क्या है। चोरी का सामान, चोरी का सामान मिल गया। चोरी का सामान, चोरी का सामान मिल गया। ये मेरे बैग में कैसे आया? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं भाई। थे पापा। तुम तो मुझे क्यों देख रहे हो? हाँ? रिटायरमेंट के बाद सुना था लोग अलसा जाते हैं, पर ये तो बोरा गए हैं। पूरी जिंदगी चोर पुलिस खेलते रहे, अब कोई चोर बचा नहीं है ना, तो खुद ही चोरी करके पुलिस की ड्यूटी निभा रहे हैं। पूरे घर को चौकी बना दिया है। जाने दीजिए ना जी, जी। इस उम्र में भूल गए होंगे बक्से में रखकर। मीता, सॉरी, नीचे बिल्डिंग वालों के लिए लंच है, तुम भी आ जाओ। प्लीज गार्गी को बुला दो, मुझे हेल्प चाहिए। अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है, सब नीचे गए हैं। जी, ओ सॉरी। क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम्हें चाइनीज इन्वेस्टर के पैसे लौटाने। यप। और तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नोप। पैसे लौटाने का डेडलाइन पिछले हफ्ते का था। यप। इसलिए तुम चोरी करने आई हो? सिंपलिस्टिकली यस। ए प्लीज सिंपली रखते हैं, तो सीधे पापा से मांग लो ना, चोरी करने की क्या जरूरत है? 7 साल पहले मांगा था लेकिन उन्होंने दिया नहीं ना। अब जो 3 दिन का एक्सटेंशन मिला है वो भी खत्म होने को आ रहा है। अगर मैंने पापा से मांगा और उन्होंने नहीं दिया तो मैं चोरी भी नहीं कर सकूंगी। यप। तो भाग जाओ, पिछली बार चाइना भागी थी, इस बार अफ्रीका भाग जाओ। मैं तो भाग जाऊं लेकिन लेकिन
एक्चुअली जब मैंने लोन उठाया था तो उसके साथ एक गारंटर की भी जरूरत थी और उस टाइम मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके पापा को गारंटर बनाया था। और उन्हें इस बात का पता नहीं है? नो। और वो लोग कभी भी यहाँ आके? अरे क्या पाएं 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 पाएं? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही? अरे पापा ये मम्मी, तुम्हें जरा सी भी शर्म आती है? तुम डिसाइड करो मैं शर्म खाऊं या पापा को बचाऊं। चुप, फॉर्जर तो कर लो, किसी और की फॉर्जरी निकाल लो पैसे, अपने बाप से ही क्यों यार? क्योंकि मेरे बाप मेरे पापा हैं, मैं किसी और से चोरी नहीं कर सकती, मेरे उसूल के खिलाफ है। वाह, क्या उसूल है आपके मैडम। कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़। 10 करोड़? एक के बाद 7-0, एक के बाद 8-0। कोई भी इतना कैश गर्व नहीं रखता, स्पेशली तुम्हारे पापा। मुझे उनका कैश नहीं चाहिए, उनके कंप्यूटर के साथ सिर्फ 20 मिनट चाहिए। कंप्यूटर? तुम अपने पापा का कांटेक्ट करोगे? यार ऐसा मत करो यार। तो ये टेंडर के लिए तुम्हें कितना रुपया चाहिए? 10 करोड़। और थोड़ा अर्जेंट है पापा, 3 दिन के अंदर चाहिए। ट्रस्ट मी, इसमें आप ही का फायदा है, इससे आप ही को आजादी मिलेगी, इन पैसों से आप ही खानदान का भला होगा। आपको कोई आइडिया नहीं है इससे क्या क्या सॉल्व हो जाएगा पापा, बस आप प्लीज दे दीजिए। पता नहीं करिश्मा ने तुम्हें क्या देखा, अब मेरी बेटी ने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है, मैं क्या कर सकता हूं। प्रतीक्षा के पति को पाल रहा हूं, तुमको भी पाल लूंगा। ऐसा नहीं है पापा। तो फिर कैसा है? पहले 5 करोड़, अब 10 करोड़, ऐसा ही है ना? और देखो ये छोटी मोटी रकम नहीं है, इसके लिए मुझे बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है पापा, आप रहने दीजिए, मैं कहीं और से मैनेज कर लूंगा। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बात करिश्मा को मत बताना प्लीज। पता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तुम्हें जो फ्लैट के लिए 30 लाख रुपए। 30 नहीं पापा, 25। आपको हिसाब समझ आता है ना, मैं दिखाता हूं। 3 करोड़ का घर है इंक्लूडिंग कैश, 25 लाख करिश्मा ने दिए और बाकी 2 करोड़ 75 लाख मैंने भरे हैं पापा। और ये वही घर है जिसमें 2 दिन बाद आपकी बेटी आके रहने वाली है, और आपके पोता पोती हुए ना तो उन्हें मिलने भी आप उसी घर में आएंगे। पर अभी भी आपको ये 25 लाख खटक रहा है ना, मैं करिश्मा को आज ही लौटा दूंगा। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। और सब ठीक है आपके साथ? हैं? हाँ। बाय। मत जाओ यार, कुछ करते हैं ना। मीता, मीता। निखिल? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? परसों तुम्हारी शादी है निखिल। मामा जो आप समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आता हूँ तुम्हारे। रुको सुनो, एक प्लान है, तुम आज हमारे साथ चलो और सबको जाके सॉरी बोल दो। अरे रुको सुनो, इससे पैसे मिल जाएंगे। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए एक बैकअप प्लान भी है, तुम्हें देखते ही वहां हंगामा खड़ा हो जाएगा और सब इकट्ठे हो जाएंगे। उसी टाइम पे मैं जाके तुम्हारे पापा के कंप्यूटर का मिरर इमेज बना लूंगा।
और तुम ये सब क्यों करोगे? क्योंकि मैं हैकर बनना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना? और दीक्षा बाकी? बाकी हाँ जाएगा। और कैसे हैं बाकी? अरे मेरे दो अनमोल रतन, एक राम दूजा लखन। मुझे मेरे पिल्स दो ना। स्ट्रेस हो रहा है? ऐसे हाथ पिलाओ जैसे बच्चे करते हैं। नहीं, ये अलग टाइप के सेंसेशंस हैं। सरसराहट। ये ना स्ट्रेस जनरेटर नहीं होते हैं। इसमें शट अप। अपने आईटी वाले फंडे में झाड़ो। मैंने पता किया तुम्हारे पिल्स के बारे में। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टिक इनहिबिटर्स। एंटी डिप्रेसेंट ले रही हो तुम? एंटी डिप्रेसेंट पिल्स? अरे हमें भी आता है स्टूपिड सेंसेशन यार, पर जब हम डिप्रेस होते हैं ना तो हम लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। तुम्हारी तरह पिल्स नहीं खा लेते। तुम डरती हो, एक्चुअली तुम एक नंबर की फट्टू हो। लास्ट टाइम तुम घर से भागी थी ना, तब तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था। इसलिए भी अंदर चलो और सबको सॉरी बोलो। चलना मैं सर। किधर भी आना। टू मिनट्स। मैं अंदर जा रहा हूँ, प्राइवेट काम है। कोई आए तो मुझे आगाह कर देना, समझे? लेकिन लेकिन आगाह कैसे करेंगे? कुछ भी करे यार, गाना गा देता हूँ। कोई भी आएगा तो गाना गा दे। यहाँ पे क्या कर रही है? मेरी शादी तो खराब कर ही दी, हवे सु बगाड़वा आवी छे। राम बाबा लूला त्र बाबा बोल दे, द ओनली वन थिंग टू डू। गरी 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 कभी कभी काई काई चोरी चोरी। चुप चुप कर तुम मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। तार सप्तक और मंदिर सप्तक का रियाज कर रहे थे। अबे गधे पर गाना तो सिग्नल है ना। सॉरी, वो क्या है ना, ज्यादा देर तक अपने आप को संगीत से वंचित नहीं रख सकता। आपकी बार कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा। अगर सच्ची में खांसेंगे तो रोक के रखना, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो। तने को ये बुलावी? तेरा जब मन करेगा यहाँ आएगी, जब मन करेगा यहाँ से चली जाएगी। क्या मावी तू? तेरा पप्पा आवे एनी पहले यहाँ से निकली जा। ऐसे मत बोलो, भूल जाएगा मम्मी। क्या चाहती है तू? तेरे पप्पा मर जाए?
पापा आजू बाजू सब मेहमान खड़े हैं इसलिए कुछ कर नहीं रहा वरना मार डालता मैं तुझे। निकल जा तू निकल। पता नहीं दिकरी ने माफ नहीं करो काका। काका वाका के वालू रेवा दे मरी गई है तुम्हारा लिए साली नाक काट दी तूने खानदान की तने पाछू नहीं कहूं सर फोड़ दूंगा सबके सामने। तू निकलती है या तुझे जिंदा गाड़ दो। मुझे एक बार पापा से मिलना है। अल्पेश भाई वो करो छो अल्पेश भाई तुम्हें चल अल्पेश भाई और मारिए इसे छोड़िए मत ये घर इसका थोड़ी ना है मन चाहे घर में आए और मन चाहे घर से भाग जाए मार डालिए इसे बिल्कुल छोड़िए मत और सिर्फ इसकी गलती नहीं है भाई साहब मेरी भी तो गलती है शायद आपकी सुनता है तो एक छोटी सी दुकान होती हमारी सूरत में और खुश रहते मारिए लेकिन हम दोनों को मारिए क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही तो हैं जब से गई है तब से ढूंढ रहा हूं मैं इसे इतने साल से हर पल यही सोचता रहा कि मेरी बच्ची क्या कर रही होगी कैसे जी रही होगी वो जिंदा भी है कि सात साल तक मन्नत मांगता रहा मैं कि ये वापस आ जा इसलिए वापस आई है मारिए 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 लेकिन इसे मारने से पहले आप मुझे मारिए। देवेश तू इमोशनल हो रहा है ये कमीनी है चोर है चोरी की है वापस चोरी करने आई है। हाँ की है इसने चोरी की है तो ये इसका नहीं है ये सब इसका नहीं है भाई साहब ये मेरी बच्ची है मेरा खून है और यही मेरी गलती है यही मेरी सबसे बड़ी गलती है करोड़ चोरी करती हूँ क्यों आज तुम्हारे लिए अरे मुझे नहीं चोरी के पैसे मेरे उसूलों के खिलाफ है और वैसे भी अब क्या टेंशन है सब कुछ ठीक तो हो गया है पापा से मांग लो क्यों फिर से लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रही हो यार निखिल चलो डांडिया के लिए बुला रहे हैं मीता चोरी करने से कुछ सॉल्व तुम्हारे पैसे तो हुए नहीं करिश्मा तुम्हें छोड़ देगी इतनी बुरी भी नहीं है यार सच बोलने जा रहा हूं चिल्लाएगी फिर फाइनली माफ कर देगी नहीं करिश्मा प्लीज मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी आज अरे लो आ गया अरे तुम डांडिया खेलने आए हो या बातें करने आए हो चलो एक मिनट गो करिश्मा वो निखिल मैं देख रही हूँ तुमको पैसे का कल कल बोल के मुझे घुमाने का प्लान है ना तो याद रखना
मैं मंडप से भी भाग सकती हूँ। ऐसे हो गए कृष्ण, आज ही चेक डिपॉजिट किया। चलो कुछ तो फायदा हुआ मेरे प्रेशर डालने का। हेलो, यस सर। अरे भाई, दो रातों से सोया नहीं हूं मैं, तुम्हारे आइडियाज मेरे दिमाग में घूमते रहे हैं। वैसे सपोज स्टेडियम भी घूमे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्यों? ग्रेट आइडिया ना सर। लोगों को चक्कर आएंगे सर। आप बताइए कि आपको पैसे देने कि नहीं देने। और उसी पॉलीमर का ये बॉल बना है। ओ, पापा मुझे पैसे चाहिए। ले लो। ले लो? तुम्हारा तो है। पापा एक्चुअली मैं चोरी करने आई थी। तो की? पापा एक और बात, मैंने सोच लिया और कोई ऑप्शन नहीं है, भाग जाते हैं। मैं करिश्मा को धोखा नहीं दे सकता। और खुद को दे सकते हो? इन 7 दिन की वजह से मैं 7 साल का कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता। ये कैसा कमिटमेंट है? तुम करिश्मा से प्यार नहीं करते, करिश्मा तुमसे ब्रेकअप करना चाहती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी तुम दोनों कर रहे हो, क्या लॉजिक है इस बात का? मीता, तुम साइंस लॉजिक IIT के लिए हाथ फैला के सिचुएशन से निकल जाओगी। मैं इमोशनल ढक्कन हूं यार, मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। नहीं फंसोगे, मैं गारंटी देती हूँ। प्लीज मुझे और कंफ्यूज मत करो यार, चले जाओ चाइना, वापस चले जाओ। लेकिन हम जर्मनी क्यों जा रहे हैं? हम तो चाइना जाने वाले थे। एक्चुअली मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए जब मेरे वेंडर्स वहां पे गए तो वहां पे एक पेमेंट डिफॉल्ट हो गया, तो दे नीड मी टू इशू अ चेक सो दैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। वहां पे भी प्रॉब्लम है? देखो पहले बता दो, वहां जाके कोई चोरी वोरी तो नहीं करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, टेक्निकली नो, लेकिन वी विल बी एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। लिसन, मैं पुलिस बनने वाला हूं मीता, मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तुम सेफ हो, यू आर अंडर द इंडियन जुरिसडिक्शन। तो अरे तुम सर के मतलब हम लोग सेफ होने चाहिए ना? हां, तुम आगे चलते हैं। हां, तुम अपने से